हाय फ्रेंड्स, मैं वज़ीर बोल रहा हूँ शाहीन जम टेस्टिंग लैब से। ये हमारा एड्रेस है शाहीन जम टेस्टिंग लैब, शॉप नंबर 14, इस वजह कॉम्प्लेक्स पत्थरगट्टी। आज ये मैं आपको वीडियो में एक अपना सैंपल सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो उसमें डायमंड भी है सील्ड में। ये अपना वेट आके 22 सेंट्स है। इसका क्लैरिटी VVS1 है, कलर आई ग्रेड है। ओके, तो इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए GIA का जो चार्ट आता है ना डायमंड ग्रेडिंग का, वो दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने थोड़े से वीडियोस तेलुगु में भी बनाया है और आज मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हो जमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विच टेस्ट एंड सर्टिफाई एनी जम स्टोन्स एंड डायमंड्स। ओके, रिलायबल। सो अकॉर्डिंग टू GIA डायमंड्स आई थे फोर सीस में आपका हर डायमंड डिसाइड होता है। तो फर्स्ट इज कैरेट एंटे द वेट ऑफ डायमंड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स। एक कैरेट आपको 200 मिलीग्राम के इक्वल रहेगा। आप देख सकते हो ये कैरेट का हिसाब है। सेकेंड सी इज क्लैरिटी स्टार्ट फ्रॉम फ्लॉलेस FL, देन इट गोज VVS1 वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। इसका मतलब ये होता है, वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड मतलब जैसे आप डायमंड माइक्रोस्कोप या कोई लूप में देखेंगे तो आपको एक उसमें जो नेचुरल इंक्लूजन रहेगा वो दिखेगा, वेरी माइन्यूट। इफ़ इट इज़ वेरी माइन्यूट देन वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड। वो एक जानकारी जान सकता है जिसको नॉलेज होती है और वो देख के पहचान सकता है। फिर उसके बाद में VS1 आएगा, फिर SI ज़्यादा अगर इंक्लूजन रहेंगे तो स्लाइटली इंक्लूडेड रहेगा। अगर डायमंड में जो है ना ज़्यादा ही अगर इंक्लूजन रहेंगे तो आई क्वालिटी में आएगा। देन कम्स टू कलर D से स्टार्ट होगा और Z तक जाएगा, फिर अगर ज़्यादा ही डीप है तो फैंसी कलर में चला जाएगा। ओके, कलर स्टार्ट फ्रॉम DEF, इट इज़ कलरलेस, प्योर वाइट रहेगा। GHI थोड़ा सा स्लाइट शेड रहेगा। JKL थोड़ा सा फेंट येल्लो रहेगा। उसके बाद में वेरी लाइट येल्लो, देन इट कम्स टू येल्लो कलर। ओके, फाइनली कम्स टू कलर कटिंग, सॉरी कटिंग आप देख सकते हो राउंड शेप आएगा, इसमें ओवल शेप आएगा, मार्किस शेप आएगा, हार्ट शेप आएगा, एमराल्ड शेप आएगा, और कोई भी आप डायमंड का डायमेंशन चाहे तो देख सकते हो। इसमें थिकनेस कैसा रहेगा, इसका क्राउन कैसा रहेगा, पवेलियन का एंगल कैसा रहेगा। सो एनी डायमंड रेट ऑफ द डायमंड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दिस 4 फैक्टर्स, क्लैरिटी, कलर, कटिंग एंड साइज ऑफ द डायमंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।